देखिए आज हम लोग परिवहन संचार एवं व्यापार क्लास 10th में भूगोल में लेसन 9 में बात कर रहे हैं। पहले समझ लो, लिखना नहीं है, एक बार देख लो तो तभी। इसमें परिवहन संचार एवं व्यापार तीन चीज़ है। परिवहन का मतलब, पहले हम परिवहन पर भी आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में, समझा रहे हैं, इस क्लास में हम लोग परिवहन पर बात कर रहे हैं। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया है ना, उसके लिए जो मतलब कि मीडियम जो यूज हो रहा है, जो माध्यम उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, वही परिवहन है। परिवहन का मतलब ही है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ से औरंगाबाद सामान ले जाना है तो आपको उसके लिए क्या है, जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, मतलब कि आप या तो सड़क मार्ग से जा रहे हैं या तो रेल मार्ग से जा रहे हैं, तो कोई सामान को आप यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, ले जाना ही परिवहन है। और उसको मैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो यातायात में आ जाता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि बस या हो रहा है, रेलगाड़ी इस्तेमाल हो रहा है, तो यातायात में आ गया। तो परिवहन शब्द का मतलब ही होता है कि कैरी आउट करना, मैंने एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज़ को ले जाना ढो करके, चाहे तो व्यक्ति को चाहे तो वस्तु को, समझा रहा है, व्यक्ति को या वस्तु को, है ना, ले जाना। तो परिवहन कितने तरह से हो रहे हैं, कितने मार्ग से हो रहे हैं, तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, और यहाँ पर है रज्जु मार्ग। क्या है? रज्जु मार्ग, समझना रहा है। सड़क परिवहन का मतलब है कि आप सामान को चाहे तो आप किसी भी चीज़ से ले जा रहे हैं, बस से ले जा रहे हैं, ट्रक से ले जा रहे हैं, टेम्पू से ले जा रहे हैं, हाईवा से ले जा रहे हैं, कोई मतलब गाड़ी से ले जा रहे हैं, लेकिन उस सड़क के माध्यम से ले जा रहे हैं, तो सड़क वही परिवहन हो गया, सड़क परिवहन। फिर हो गया रेल परिवहन, मतलब जो ट्रैक के माध्यम से आप ले जा रहे हैं, जिस पर रेल गाड़ी लेके जा रही है सामान को या व्यक्ति को ले जा रही है, वो आ गया आपको रेल परिवहन। जल परिवहन का मतलब बड़े बड़े जहाज, पानी जहाज, जो देश विदेश से अपने गाँव में, अपने मतलब कि कह सकते हैं देश में लेके आ रहे हैं कच्चे तेल को, है ना। तो या फिर आप व्यक्ति को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, बड़े बड़े नौकाएं और जहाज ले जाती हैं, तो वो परिवहन हो गया, वो आपका जल परिवहन आ गया। वायु परिवहन का मतलब क्या है? वायु मार्ग से कोई चीज़ आना, जैसे कि प्लेन के द्वारा, वायुयान के द्वारा। पाइपलाइन परिवहन का मतलब कि पाइप से ही कोई चीज़ आ रहा है, जा रहा है। जैसे कि बड़ौदा में आपने सुना होगा कि सबसे पहले गैस पाइपलाइन बिछाई गई, उसके बाद न्यू दिल्ली में आया, है ना, कि गैस पाइपलाइन, गैस को वहीं से छोड़ दिया जाता है समय पर, सब अपने टाइम पर। जैसे पानी को आप तो समझ रहे, पानी को ले जाया जाता है, है ना, पर्वतीय इलाका में पानी तो निकाला नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जगह से सप्लाई करके और हर जगह घर घर भेजा जाता है। अब तो हर जगह बिहार में भी नल जल योजना देख रही हो, तो ये क्या है तुम्हारा, यही तो है पाइपलाइन, है ना, पाइपलाइन परिवहन है। और रज्जु मार्ग का मतलब है कि रोप वे, मतलब कि रस्सी के माध्यम से, है ना, उसमें बोगी जैसा बना दिया गया है और एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि बिहार में राजगीर में है, है ना, समझा रहा है, बिहार में राजगीर में एकदम सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, जो विश्व के शांति स्तूपा जो बौद्ध भगवान का बनाया हुआ है, वहाँ पर नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ी के में इस्तेमाल हो रहा है, है ना। तो रज्जु मार्ग यहाँ पर भी है, तो इसी पर बात करने वाले हैं अब हम लोग। राजमार्ग, अब हम सड़क परिवहन में हम बात कर लें थोड़ा, कि सड़क परिवहन में इसे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको एक नंबर देते हैं तो एक से स्टार्ट हम कर रहे हैं। उसमें सड़क परिवहन में हम लोग कितने तरह का होता है सड़कें, उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, और दूसरा है राज्य राजमार्ग, तीसरा है जिला सड़कें, और चौथा है ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब क्या होता है कि जो राज्य के राजधानी को, वो सड़क जो राज्य के राजधानी को, जैसे कि 2800 राज्य है, तो 2800 राज्य के राजधानी को अपने देश के राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाला जो सड़क है, समझ रहा है, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। पूरी अपने देश की जो सड़कें हैं उसका 4% लंबाई में ये है कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग है, समझ रहा है, उसमें विस्तार से भी बात करेंगे। दूसरा है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग क्या है कि एक राज्य में जितने भी जिला हैं उन सभी जिला के मुख्यालय, जिला के जितना मुख्यालय है उसका वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है राज्य के राजधानी से, राज्य के राजधानी से अलग अलग। मान लीजिए कि अब
स्टेट में, जैसे बिहार में बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, और पटना में से कनेक्ट कर दिया 38 जिला को जोड़ सड़क, 38 को जिला है ना जी, तो उस सब को कनेक्ट कर दिया जोड़ सड़क, पूरे जिला को सड़क पटना से जोड़ दिया, तो सब सड़कें क्या कहलाएंगे, राज्य राजमार्ग कहलाएंगे, स्टेट हाईवे, समझ रहा है। यह संख्या इसकी लंबाई 31.31% है, पूरी मैंने कंट्री में अलग अलग स्टेट में है ना। ये जिला सड़कें उसी तरह से है कि ब्लॉक को है ना, एक जिला में जितना ब्लॉक है उन सभी ब्लॉक को जोड़ देता है जिला मुख्यालय से, उसका परसेंटेज है 21%। और ग्रामीण सड़कें, तो ग्रामीण सड़कें क्या है, पूरा जो गांव है छोटा मोटा एक ब्लॉक में, सभी गांव को एक ब्लॉक से जोड़ने का काम करता है, चूँकि पूरी गांव ही तो है पूरा भारत में, तो 58.33% ज़्यादा लंबाई किसका है, ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। तो सड़क में हम लोग इतना देख लिए, अब हम लोग विस्तार से देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग में है क्या। राष्ट्रीय राजमार्ग को शॉर्ट में NH कहते हैं, नेशनल हाईवे है ना, तो जो हर राज्य के राजधानी को देश के राजधानी जैसे दिल्ली से जोड़ रहा है वह राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है, बता ही दिए है। और योगदान जो है इसका हम लोग कह सकते हैं, यह तो कोई 4 लेन भी हो सकता है, 6 लेन भी होता है, 4 लेन समझ रहा है ना, दो गो लाइन आने वाला, दो गो लाइन जाने वाला, वैसे 6 लेन अब बन रहा है, एक दोनों तरफ एक एक लाइन बन रहा है कि 3 लाइन आने वाला रहेगा, 3 लाइन जाने वाला रहेगा, तो वो हो गया तुम्हारा 4 लेन या 6 लेन में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। अब इसका यातायात में योगदान कितना है, 40% किसका, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पूरे भारत में 266 है, NH1 और NH2 जो है उसको जोड़ कर दोनों को मिला करके ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, GT रोड जो अपने यहाँ से गुजरा हुआ है, इसको शेरशाह सूरी बनवाया था, समझ रहा है, बाद में फिर बनते गया लेकिन सबसे पहले बनाया वही आदमी, समझ रहा है। तो ये यही इसीलिए इसको हम लोग GT रोड शॉर्ट में कहते हैं, GT रोड ग्रांड ट्रक रोड, समझ में रहा है। अब हम लोग जो मुख्य सड़क है उसके बारे में मैप से भी समझ लेते हैं कि NH1 किसको कनेक्ट करता है, NH2 कहाँ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं, मैप में दिखाऊं। ये मान ले कि इंडिया का मैप है, सपोज डेट मान लेते हैं, तो यहाँ देखो अमृतसर है, अमृतसर है, और यहाँ है दिल्ली, करीब करीब ये बीच में है ऐसे है, ठीक है, दिल्ली मैंने ऐसे लिख दिया है, और वहीं पर नज़दीक में आगरा है। तो पहले देखो अमृतसर से जो दिल्ली को जो सड़क जोड़ रहा है, देख रहा है लोग, अमृतसर को जो दिल्ली से सड़क जोड़ रहा है वो सड़क NH1 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 1 है। और यहाँ देखो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ रहा है, कोलकाता चूँकि पश्चिम बंगाल में है, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, और यहाँ मैंने कोलकाता ऐसे है ना, समझ रहा है, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा आंसर मतलब इमेजिन करने के मान के चलो कि कोलकाता ऐसे में बना दिया था, तो यहाँ से दिल्ली से कोलकाता को जोड़ रहा है वो है NH2, वो क्या है NH2, फिगर से ही तुम याद कर सकते हो। अब देखो कोलकाता से नीचे देखो चेन्नई है ना, तो चेन्नई नीचे है, तो कोलकाता से चेन्नई को जो जोड़ रहा है उसको NH5। नंबरिंग से याद करने की जरूरत है, तो यहाँ पर देखो NH1, NH2, अब NH3 याद कर लो, यहीं पर आगरा है, आगरा से जो मुंबई को जोड़ेगा वो NH3 है। अब मुंबई से ऐसे आओ घूर के, पहले NH1 आओ, फिर यहाँ से NH2 चल जाओ, यहाँ से दिल्ली से कोलकाता, और फिर यहाँ आगरा से जो मुंबई को जोड़ रहा है वो NH3 है, और यहाँ मुंबई से फिर चेन्नई को जो जोड़ रहा है वो NH4 है, और फिर चेन्नई से जो कोलकाता को जोड़ रहा है वो NH5, और कोलकाता से जो मुंबई को जोड़ रहा है NH6। और चूँकि ये पूरा फिगर कचरा हो जाता इसीलिए अलग से बना दिया है कि ये जो है वाराणसी से कन्याकुमारी जो है सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको NH7 कहते हैं, क्या कहते हैं NH7, इसको राज डेकन पथ भी कहते हैं, कुछ कहते हैं राज डेकन पथ, ये सबसे लंबा है ना, सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा। अब इसी में श्रीनगर से ला करके और वाराणसी तक कनेक्ट कर दिया गया, समझ रहा है, तो अब ये सड़क श्रीनगर से सीधे कन्याकुमारी तक चल जाती है, आ रहा बात समझ में। तो जनरली लोग यहाँ तक आपके बुक में भी लिखा है कि वाराणसी से कन्याकुमारी, तो राज डेकन पथ उसको कहते हैं। अच्छा, सबसे छोटा एक है नेशनल हाईवे NH47 है, समझ रहा है, NH47 है। और एक कहाँ पर है भाई, तो इसका केरल में एर्नाकुलम से कोची बंदरगाह को ही जोड़ता है ना, केरल में एर्नाकुलम से कोची बंदरगाह को ये जोड़ने का काम करता है, समझ रहा है, वेलिंगटन द्वीप में ऐसे ही है। सीमांत सड़कें के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, सीमांत का मतलब होता है सीमा जहां अंत हो रही है, जहां बॉर्डर पर जो
सड़कें बनाई जा रही हैं, जहाँ मतलब देश के अंतिम छोर है, बॉर्डर जिसको कहते हैं, वहाँ जो सड़कें बन रही हैं उसको सीमांत सड़क कहते हैं। और ये मोदी सरकार में आने के बाद ये सड़क ज़्यादा बनने लगा, पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपने देश की जो कह सकते हैं कि सामरिक महत्व को मैंने बढ़ाता ही, मैंने युद्ध की सामग्री, खान पान ये सब ले जाने के लिए ज़्यादा अहम रोल इन सड़कों का है। अगर बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा है तो सामान जो जाना है तो उसको कैसे जाएगा, तो सड़क ही रहेगा तब ना जाएगा, चाहे बंदूक जाना है, चाहे टैंक जाना है, चाहे खाने पीने के, चाहे दवाई के सामान, चाहे कुछ भी है वो जाना है, सैनिकों को जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सड़क रहेगा तब ना वहाँ तक लोग पहुँचेंगे, टच में रहेंगे। सब दुर्गम स्थान रहेगा तो कैसे लोग जाएगा। और अदर देश वाला लोग क्या किया है, चाइना क्या किया, एकदम अपने बाउंड्री को सटा करके सड़क बना लिया बहुत सा, तो इसी के चलते अपने बचाव करने के लिए इंडिया सरकार भी क्या किया, पूरा सड़क वहाँ बनाना शुरू किया है। तो ऐसे सड़कों को हम सीमांत सड़क कहते हैं। सीमांत सड़क को बनाता कौन है, बीआरओ बनाता है। कौन बनाता है? बीआरओ। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सभी सड़क, सभी मतलब कि हम कह सकते हैं कि बॉर्डर मतलब कि सीमा सड़क संगठन इसको कहते हैं, सीमा सड़क संगठन, इसको हिंदी में मतलब बोल सकते हैं, हम अंग्रेजी में बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1960। तो ये सीमांत सड़क हो गया। एक्सप्रेसवे क्या है, एक्सप्रेसवे जो होता है वो होता है एकदम सीधा होता है, जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, या तो 4 लाइन हो सकता है या तो 6 लाइन हो सकता है। दो महत्वपूर्ण निकट के शहरों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के नाम सुना होगा जो यूपी में बहुत चर्चित है। तो वो सब सड़क क्या है, इतना स्पीड से उस पर गाड़ी चलता है कि मतलब उसका कोई एरिया नहीं है, बहुत स्पीड से चलता है उस पर गाड़ी, क्योंकि सड़कें सीधी रहती है, टेढ़ी मढ़ी नहीं रहती है। और वहाँ पर टोल टैक्स भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है वहाँ। ये बात इसमें लिखी गई है, जैसे आपको उदाहरण देखिए, दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाला जो सड़क है, महत्वपूर्ण शहर है दोनों, है ना, और इसको जोड़ने वाला शहर जो है वो आप ये सड़क जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस वे कहेंगे। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला, अहमदाबाद को बड़ौदा से जोड़ने वाला, ये जो है ना एक्सप्रेस वे है। अब एक स्वर्णिम चतुर्भुज बार बार पूछता है, जनरल कंपटीशन में भी बहुत मायने रखता है ये चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, समझना रहा है, उन सभी चैप्टरों से ज़्यादा अच्छा चैप्टर हमको ये दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि जितना हम पढ़ रहे हैं वो सब हमको जीके में भी पढ़ना है, ये सब जानकारी रखना चाहिए। जैसे अभी रेल परिवहन में भी बात करेंगे ना, तो बहुत पढ़ना है कि रेल के बारे में, कि मतलब कि कितने तरह के रेलवे लाइन होती है, किसका ब्रॉड गेज क्या है, मीटर गेज क्या है, बहुत अच्छा इसमें चैप्टर में दिया हुआ है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब है कि चार प्रमुख शहर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, दिल्ली है ना, इधर कोलकाता, इधर चेन्नई, इधर मुंबई, देख रहा लग रहा है चतुर्भुज जैसा है। तो ये चार शहरों को, महत्वपूर्ण शहरों को, जैसे दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, ऐसे जोड़ने वाला जो सड़क है ना, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इसको बनाया गया था, इन सड़कों को चार प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए। कई एक कंपटीशन में पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन सड़क मतलब कि शहर कनेक्ट है, तो ऑप्शन दे देगा, एगो नहीं रहेगा, समझा रहा है, कौन नहीं है इसे पूछ देगा, तो आपको पकड़ना होगा। एगो गलियारा समझ लो, ये देखो उत्तर में है श्रीनगर और दक्षिण में है कन्याकुमारी, तो उत्तर से दक्षिण में जो श्रीनगर से जो कन्याकुमारी का जो सड़क आ रही है उसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, क्या कहते हैं, हाँ। और पूरब में इधर है सिरचर, सिरचर जगह है सिरचर, और असम में है, और सिरचर से पोरबंदर मतलब गुजरात में जो पोरबंदर को जोड़ने वाला जो सड़क है ना, इसको कहते हैं पूरब से पश्चिम गलियारा। आइए दोनों जहाँ क्रॉस कर रहा है वो जगह है झांसी, क्या है, झांसी जो यूपी में है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया। और सर्वाधिक पक्की सड़क की लंबाई कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, समझ में आ रहा है। अभी हम फिर रेलवे रेल परिवहन के बारे में भी देखने वाले हैं, दूसरे वीडियो में भी देखेंगे, दूसरे क्लास में देख सकते हैं। एक बार इसको ये कर दो कि मतलब कि लिख लेगा लोग पॉज करके। जीटी रोड पर ही तो तुम लोग है बगल में, हो गया।